हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं संयुक्त राज्य अमेरिका हिरोशिमा पर परमाणु बम क्यों गिराया, आखिर इसके पीछे का क्या है सच जो केवल जापान के शहर हिरोशिमा पर ही परमाणु बम गिराया गया। हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ बताएंगे। तो देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। 6 अगस्त 1945 इतिहास में दर्ज वो तारीख है जिस दिन दुनिया ने परमाणु बम की असली ताकत देखी। जापान की हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया और 1.5 लाख के करीब लोग देखते ही देखते मौत के आगोश में समा गए। कहा जाता है कि परमाणु बमों की ताकत ने ही 2-3 विश्व युद्ध को रोका। दुनिया में हो रही तबाही एकाएक थम गई। हालांकि इन बातों को लेकर काफ़ी विवाद भी खड़े हुए हैं। अगस्त 1945 तक जापान लगभग युद्ध हार चुका था, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि आखिर जापान कब सरेंडर करेगा। दूसरी ओर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन को परमाणु बम तैयारी होने की जानकारी भी मिल चुकी थी। ऐसे में अब ऐसे फैसला करना था कि क्या इस बम का इस्तेमाल युद्ध को ख़त्म करने के लिए करना है। लेकिन यह बात दुनिया जानती है कि ट्रूमन ने क्या चुना और इतिहास किस बात का गवाह रहा है। हिरोशिमा के मेयर ने दुनिया से गुजारिश की है कि उसे परमाणु बम को ख़त्म कर देना चाहिए। हालांकि यह सवाल हमेशा उठता है कि आखिर अमेरिका के पास परमाणु बम गिराने के अलावा क्या क्या ऑप्शन थे। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं जापान के द्वीपों पर बम गिराना। 1942 की शुरुआत से ही अमेरिका जापान पर बम गिरा रहा था। अप्रैल 1944 से लेकर अगस्त 1945 के बीच अमेरिकी बमबारी के 3,33,000 लोगों की मौत की नींद में सो गए। 3,33,000 लोग मौत की नींद में सो गए। मार्च 1945 में टोक्यो पर हमला किया गया जिससे 80,000 लोगों की जान गई, लेकिन जापान ने फिर भी सरेंडर करने से इनकार कर दिया। तब अमेरिका ने ये मान लिया कि सिर्फ पारंपरिक बमबारी के जरिए जापान घुटने नहीं टेकने वाला है। जापानी द्वीपों पर जमीनी हमला बोलना। अमेरिका के पास ये भी ऑप्शन था कि वह जापान पर ज़मीनी हमला बोले, लेकिन जापान ऐसा करने पर और भी ज़्यादा आक्रामक हो जाता। लोग देश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। 1945 में ही हुए इवो जिमा युद्ध में अमेरिका के 6,200 सैनिक और ओकिनावा युद्ध में 13,000 सैनिक और नाविकों की मौत हो गई, इसलिए ज़मीनी हमला बोलना मुफीद नहीं लग रहा था। गैर आबादी वाले इलाके पर बम गिरा ताकत दिखाना। अमेरिका के पास ऑप्शन था कि वह परमाणु बमों का शक्ति प्रदर्शन करे जिससे जापान डर जाए और जल्द से जल्द सरेंडर कर दे। हालांकि ये माना गया कि जापान सिर्फ एक व्यक्ति उस कमेटी के फैसले के आधार पर सरेंडर का निर्णय नहीं लेगा जो उसे आकर ये बताया कि बम बहुत खतरनाक है। अमेरिका को ये भी लगता था कि अगर ये नया बम नहीं फटा तो जापान सरेंडर करने के बजाय युद्ध में आक्रामक हो सकता है। आबादी वाले इलाके पर परमाणु हमला। सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद ये सहमति बनी कि जापान के किसी शहर पर परमाणु बम गिराया जा ज़्यादा सही है। हमले से पहले शहर खाली करने का भी नोटिस नहीं दिया गया क्योंकि अमेरिका को डर था कि अगर ऐसा किया गया तो उसके बमबार विमानों को ढेर किया जा सकता है। अमेरिका ने हिरोशिमा को बमबारी के लिए इसलिए चुना था क्योंकि वहाँ जापान के सांस्कृतिक शहरों में से नहीं था। जापान जो था सांस्कृतिक शहरों में से नहीं था, इसलिए अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराने के लिए चुना। दोस्तों जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय के नाम से उसे जाना जाता है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके आल पर क्लिक कर देना ताकि जब हम कोई इसी प्रकार की वीडियो जानकारी से जुड़ी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।